नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा में इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद है। बीती रात चोरों ने रीवा की पद्मधर कॉलोनी के दो घरों में लाखों की चोरी की। बता दें कि हरिशंकर गुप्ता का मकान इन दिनों बन रहा है। वह पद्मधर कॉलोनी में किराए का मकान लेकर अपने परिवार सहित रह रहे हैं। बीती रात चोरों ने उनके घर में लाखों की चोरी कर डाली। पूरा परिवार खाना पीना खाकर एक कमरे में सो रहा था। चार कमरों के मकान में तीन कमरों में ताला लगाकर चाबी रख दी गई थी। चोरों ने घर के अंदर प्रवेश किया, कमरों के ताले चटकाए और नकदी सहित 25 तोला सोने पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घरवाले जागे तब उनको चोरी के बारे में पता चला। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड लेकर पहुंची। यहां पर दो मकानों में चोरों ने धावा बोला था। दूसरे मकान से चोर हरिशंकर के मकान तक आया था। इस बात की पुष्टि कर रहा था डॉग स्क्वाड की टीम का डॉग। वह दूसरे घर से हरिशंकर के घर तक आया। हरिशंकर ने भी कुछ ऐसा ही बताया है। पहले घर में कितने की चोरी हुई है, क्या कुछ हुआ है, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल हरिशंकर के घर से उनकी बरसों की जमा पूंजी, पत्नी के जेवर जो लगभग 25 तोले के आसपास से चोर अपने साथ समेट ले गए। हमारी टीम ने हरिशंकर से और उनकी पत्नी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गुप्ता कौन सा एरिया कहलाता है, क्या करता है? पद्मधर कॉलोनी चोरी हुई है। कैसे, क्या आप लोग कहाँ पे थे, कैसे घटना हुई? हम लोग उस रूम में थे और सब जगह लॉक थे तीनों रूम। तीनों रूम को तोड़ के ताला तोड़ा गया है और फिर अलमारी से चाबी हो गया। अलमारी मतलब उधर से चाबी लेके सब जगह चाबी खोले हैं और खोल के ले गए। हार था, मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, चैन था। कैश कितना? कैश 15,000 था। 20-30 तोला तक की वो सोना कितना लगभग? और सोना भी था 25 तोला 30 तोला तक। FIR लिखवा दिया था? लिखवा दिया। आवेदन देने गए थे तभी पुलिस वाले बोले पहले निरीक्षण कर ले। अभी आई थी पुलिस यहाँ पे? हाँ। हरिशंकर गुप्ता, क्या घटना घटी यहाँ पे? हमारे घर में चोरी हो गई है। आसपास में भी कहीं एक मकान में और चोरी हुई है, अभी सुबह ही पता चला तो पुलिस वाले वहाँ भी निरीक्षण कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड लेके आए हैं। वही डॉग वहाँ से आने के बाद यहीं घुस रहा है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों जगह एक ही चोर ने काम किया है। करीब कितने की लगभग चोरी हुई? लगभग 25 तोला सोना था और 1 किलो तक चांदी और 10 से 15,000 रुपये कैश थे। कब से रह रहे हैं यहाँ? लगभग हम लोग 1 साल हो रहा है रहते हुए, किराए से रह रहे हैं। पहले अपना मकान का मान के बगल में है, वहाँ निर्माण कराना था इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गए थे।